अस्सलाम वालेकुम, घर के खाने में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं गोभी गोश्त। देखिए मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, जल्दी से देखें माशाल्लाह। मैंने प्याज डाल दी इसके अंदर, अब मैं प्याज फ्राई करूँगी। उसके बाद ये प्याज ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसको निकाल लूँगी। मैंने गोश्त पहले से ही बॉइल कर लिया था। प्याज हो चुकी है, बहुत अच्छी सी ब्राउन हो गई है। अब मैं इसको निकालती हूँ, फिर मैं इसमें सारे मसाले डालूंगी। लहसुन थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ना इसमें मैं ये गोश्त डाल दूंगी। ये मैंने जो बॉईल किया हुआ था गोश्त, ये मैं गोश्त इसलिए बॉईल कर लेती हूँ कि भाई कभी जल्दी का काम होता है तो कुछ करना पड़ता है, इसलिए इमरजेंसी के अंदर बॉईल करके रख देती हूँ ताकि जल्दी हो जाता है। अब ये देखिए गोश्त मैंने इसे बॉईल गोश्त डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर नमक डालूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नमक आ गया। और ये हो गई लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर पिसावा धनिया पाउडर। अब हम इसकी आंच खोल देंगे और इसको अच्छा से फ्राई करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा सा ये टेंडर हो चुका है। अब मैं इसको टमाटर डालूंगी। ये मैंने टमाटर काट के रखे हुए थे, ये मैंने टमाटर डाल दिए इसके अंदर, तो काट लिए थे पहले से ही। अब जब तक इसकी हरान निकल जाएगी हल्दी की और सारे मसालों की, तब तक हम इसको भूनेंगे। अब हम इसमें यहाँ गोभी भी डाल देंगे ताकि ये दोनों चीज़ें एक साथ गल जाएं, टमाटर भी और गोभी भी। ये देखें अब हम इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। चेक करते हैं, ये देखें बिल्कुल ड्राई हो चुका है ये, और यहाँ ये गोभी भी गल गई है सब बहुत अच्छे से। और अब हम इसको करेंगे डिश आउट। चलिए जी, हमने डिश आउट कर लिया है। अब हम इसमें ऊपर से गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा। गरम मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये अर्जन झटपट गोभी गोश्त है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। आप ट्राई कीजिएगा इसको और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा। बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।